अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अपना कराची 104। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग प्लीज़ हमें शेयर किया करें और लाइक और कमेंट लाजमी करके बताया करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आज हम एक होटल पर मौजूद हैं। आज मेरे बहुत ही पुराने और बहुत ही ख़ास दोस्त मेरे आज मुझसे मिलने आए हैं। तकरीबन उनसे मेरी मुलाकात 20 साल के बाद हो रही है। काफ़ी अरसे बाद ये गायब रहे हैं। इनको तलाश करने की, इनको ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की मगर इनसे मुलाकात हो नहीं पा रही थी। आज इत्तफाकन इनसे मेरी मुलाकात हो गई। जाते हुए मैंने इनको देख लिया, इनको मैंने आवाज़ लगाई तो इनको मैंने देखा, बुलाया तो मज़ीद इनसे हाल वाल करेंगे, इनसे पूछेंगे भी सही है इतना टाइम इतना अरसा कहाँ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर लें। चलें आगे मज़ीद वीडियो बनाते हैं और अपने दोस्त से आपकी मुलाकात कराता हूँ। आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है अरुण भाई, खैरियत है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप सुने, आप इतना अरसा कहाँ गायब रह गए हैं? बस चले गए फैसलाबाद की तरफ, हिजरत कर गए। अच्छा, लेकिन कराची की याद तो बहुत आ रही थी। कराची तो कराची है अपनी। थोड़ा तेज़ बोले। वापसी कराची हुई है हमारी। अच्छा जी, माशाल्लाह कराची कराची है अपना भाई। तो वहाँ जिससे भी दोस्त से बात होती थी एंड हमारा यही होता था भाई कराची कराची, वो इसी नाम से मुझे पुकारते थे भाई, क्या ख़ास बात है कराची कराची। तो कराची की माशाल्लाह बात ही कुछ अलग है। कराची तो कराची है, कराची तो दिल है सिंध का, बाकी तमाम मुल्कों का भी दिल है। लेकिन आपसे ये पूछना ये चाह रहा था कि हम काफ़ी अरसे बाद मेरी और आपकी मुलाकात हुई है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या तासुरात हैं मुलाकात करके या मुझसे मिल के? भाई माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है, एक अरसे के बाद मिले हैं। बहुत याद आती थी आपकी, याद करते थे भी अच्छे साथी हैं हमारे माशाल्लाह से। मेरी अगर आपको याद आती थी तो आपने फ़ोन करके कभी तो मुझसे पूछा नहीं। तो बस नंबर भी नहीं था। अच्छा। हाँ, पढ़ाई का दौर था हमारा उस टाइम, नंबर भी नहीं था। अच्छा। हाँ, मोबाइल का दौर है भाई, तो मुलाकात हो गई इंशाल्लाह, नंबर तो मुलाकात भी रहेगी इंशाल्लाह। दोस्त, आप जितने भी देखने वाले हैं मेरे, आप मुझे ये बताएं 20 साल के बाद एक दोस्त की मुलाकात मुझसे हुई है तो कम से कम इसको मुझे कॉल करके पूछना चाहिए था, हाल वाल पूछने चाहिए थे, बात करनी चाहिए थी, मगर ये मुझसे नाराज़ होके गया था। अब मैं नहीं जानता ये क्यों नाराज़ होकर गया था, किस बात पे नाराज़ होके गया था। मैंने बहुत कोशिश की इससे तलाश करने की, ढूंढने की, मगर इससे मेरी मुलाकात हो नहीं पा रही थी। अब आप मुझे बताएं, मैं आज भी इससे पूछ रहा हूँ किस बात पे नाराज़ हो गए थे, मगर आज भी ये बताने को तैयार नहीं है। आप कमेंट करके मुझे बताएँ कि ये मुझसे नाराज़ क्यों हुए होंगे, क्या बात हुई होगी, या आप कमेंट करके इसे कहें कि प्लीज़ आप वो बात बता दें क्यों नाराज़ हुए थे, ताकि मुझे भी पता लग सके मेरे दोस्त मुझसे क्यों नाराज़ हुए और नाराज़ होकर 20 साल तक ये मुझसे दूर रहे, रूठ के चले गए। मैंने तलाश करने की बहुत कोशिश की, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने इनको तलाश न किया हो। हर जगह मैंने इन्हें तलाश किया मगर इनसे मेरी मुलाकात ना हो पा रही थी, मिल नहीं पा रहे थे। फिर इन्होंने अपने नंबर भी बंद किए हुए थे, तो मैंने बहुत कोशिश की, इनके भाई से मुलाकात हुई, उनसे मैंने पूछने की कोशिश की, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि यार मुझे पता नहीं है कहाँ है। तो गाइस, सब आप बचाएँ मुझे कमेंट करके, तो क्या इतनी नाराज़गी अच्छी होती है? अगर किसी बात पे नाराज़गी हुई भी सही तो बता देना चाहिए था कि मैं क्यों नाराज़ हूँ, किस बात पे, तो नाराज़गी हम ख़त्म कर सकते थे। तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने अच्छा किया है या गलत किया है। अगर अच्छा किया है, मेरी गलती है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर इन्होंने गलत किया तब भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबकी मेहरबानी, आप सबका शुक्रिया, आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें देखते हैं, आप सबकी मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम।